यूपी के जालौन में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी तस्वीरें देख आप विचलित हो सकते हैं। जालौन में दबंगों ने बंटवारे को लेकर एक महिला को निवस्त्र कर पीटा, गंभीर चोटें भी आई हैं। मामले की शिकायत उस स्थानीय थाने में की लेकिन फरियाद नहीं सुनी गई, न्याय के लिए सिर्फ चक्कर काटती रही। बाद में मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा, तब जाकर घटना में जाँच के आदेश दिए गए। ये पूरा मामला थाना एट क्षेत्र के ग्राम सतो का है, जहां दबंगों ने एक मकान के विवाद को लेकर घर में घुसकर महिला को निर्वस्त्र कर पीटा और गाली गलौज करते हुए महिला उसके पति के साथ मारपीट कर डाली। पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। महिला ने बताया कि एट पुलिस उसकी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मदद नहीं कर रही है। पीड़िता ने पूर्व में भी जनपद के उच्च अधिकारियों को भी पूरी घटना के बारे में प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा दिया था। महिला का कहना है उसकी पुलिस कोई मदद नहीं करेगी तो वो अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रदेश के मुखिया के पास जाकर पूरी घटना के बारे में जानकारी देगी। पीड़ित महिला पूजा ने एट थाना इंचार्ज पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने आप बीती बताते हुए कहा अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो परिजनों के साथ मिलकर आत्महत्या कर लेगी। महिला से मारपीट की घटना 24 मार्च की बताई गई। एट थाने के सदोगा निवासी महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया उसके मकान को लेकर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इस बात को लेकर दबंग किस्म के लोग रंजिशवश घर में घुस आए, मारपीट की बेरहमी के साथ। उसका पति घर में बाड़े में जानवरों का कामकाज करने गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया मकान के विवाद को लेकर मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर के आधार पर आरोपी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घर में सब्जी काट रहे थे, वो लोग सब उसके मारने लगे, मंदिर से मार के बाहर कपड़न कर दिया। ये सारी हमारी बच्ची बचाने आई तो उसने मोबाइल भी छुड़ा लिया, उसने पापा को फोन लगाया। अरे जी, आपके पूरे शरीर में गंभीर चोटें, आपका हाथ भी फ्रैक्चर लग रहा है, क्या है आपको? मतलब कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? पूरे शरीर में चोटें आई, हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। तो आप फिर ये पूरी घटना के बाद आप थाने गई? थाने गए दो चार बार, कोई दरोगा सुनता नहीं। दरोगा क्यों नहीं सुनता है? दरोगा नहीं सुनता। दरोगा जाता है दूसरी पार्टी में, पैसा दे दिया जो वो आपने दे दिया। तो आपकी कोई मदद नहीं हो रही है? हमारी नहीं मदद हो रही है। अच्छा, तो अगर आपकी मदद नहीं तो आप कहाँ जाएंगे फिर? मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हमारा क्लास एक से मुकाबला चल रहा है और दूसरे के हिसाब से दूसरे ने रजिस्ट्री करा ली है। हमारा वही घर था तो हम लोग को अगर वो घर नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे सर, हमारी कोई सुनाई नहीं है। नहीं, जब कोर्ट में मामला चल रहा था आपके मकान का, आपके काफी वर्षों से कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये फर्जी तरीके से पहनावा फिर कैसे हो गया? ये फर्जी करा लिया। अच्छा, फर्जी करा लिया मानने की, तो इसकी सूचना आपने पुलिस को नहीं दी कि फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया? पुलिस को दी है कि हमारी कोई सुनाई नहीं है। कितने दिन से भटक रहे हैं आप? हम 14 तारीख से। अच्छा, तो 14 तारीख से आज 24 तारीख की कोई आपकी मदद नहीं हुई? कोई मदद से नहीं सर। अच्छा, आज मारपीट हुई है? मारपीट हुई है तो उस चीज की भी सुनाई नहीं हुई है तारीख में। तो आपकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं? हाँ। तो मतलब काफी पूरे शरीर में गंभीर चोटें हैं, डॉक्टरी यात्री कराई गई इनकी? डॉक्टरी यात्री कराई है, उसमें भी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर रही है? पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है सर। एक थाना क्षेत्र में ग्राम सतो में मारपीट का मामला आया है, आरोप है कि दबंगों ने घुसकर मारपीट की है, पुलिस ने इस पर क्या करना है? हाँ, जिला जालौन में थाना एक में गांव सतो है, उसमें जो सूचना अब तक प्राप्त हुई है उसमें सूचना ये है कि दो भाइयों के बीच एक घर में घर का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, एक भाई ने अपना पोर्शन बेच दिया है, तो दूसरे भाई ने वो नहीं चाहता कि भाई अभी जब तक बंटवारा ना हो तब तक वो अपना पोर्शन बेचे, वो बेच दिया है। तो जिन्होंने खरीदा है उसके और भाई के परिवार के बीच आज सुबह मारपिटाई और झगड़ा की सूचना है। अभी थाने पर तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, थाने पर पीड़ित पक्ष द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके हिसाब से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।